और एक बार आपको फिर से लिए चलते हैं सिडनी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधित कर रहे हैं, सुन लेते क्या कह रहे हैं। आपस में जोड़ता है, हमारी जीवन शैलियां भले अलग अलग हो लेकिन अब योगा ये भी हमें जोड़ता है। क्रिकेट से तो हम ना जाने कब से जुड़े हुए हैं, लेकिन अब टेनिस और फिल्में भी हमें जोड़ रही है। हमारे यहां खाना बनाने का तरीका भले अलग अलग है लेकिन अब मास्टर शेफ हमें जोड़ता है। हमारे यहां पर्व त्योहार भले अलग अलग मनाए जाते हैं लेकिन हम जुड़े हुए हैं दिवाली की रौनक से, बैसाखी के जश्न से। हमारे यहां भाषाएं भले अलग अलग बोली जाती हो लेकिन हम जुड़े हुए हैं मलयालम, तमिल, तेलुगु, पंजाबी, हिंदी। भाषाएं पढ़ाने वाले इतने सारे स्कूलों से साथियों, ऑस्ट्रेलिया के लोग, यहां के निवासी इतने विशाल हृदय के हैं, दिल के इतने अच्छे और सच्चे हैं कि भारत की इस विविधता को खुले दिल से स्वीकारते हैं। और यही वजह है कि पैरा माटा स्क्वायर किसी के लिए परमात्मा चौक बन जाता है। विक्रम स्ट्रीट भी विक्रम स्ट्रीट के रूप में मशहूर हो जाती है और हैरिस पार्क कई लोगों के लिए हरीश पार्क हो जाता है। वैसे मैंने सुना है कि हैरिस पार्क में चटका की चाट, जयपुर स्वीट्स की जलेबी, उसका तो कोई जवाब ही नहीं है। मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, आप लोग कभी मेरे मित्र पीएम एल्बनीज़ी को भी वहां जरूर ले जाइएगा। और साथियों, जब खाने की बात चली है और चाट की बात चली है तो लखनऊ का नाम आना भी स्वाभाविक ही है। मैंने सुना है सिडनी के पास लखनऊ नाम की जगह भी है लेकिन मुझे पता नहीं वहां भी चाट मिलती है क्या। अच्छा, यहां भी तो शायद दिल्ली के पास वाले लखनऊ के लोग होंगे ही होंगे, है क्या? वाह, वाकई दिल्ली स्ट्रीट, बॉम्बे स्ट्रीट, कश्मीर एवेन्यू, मालाबार एवेन्यू जैसी कितनी ही सड़कें यहां ऑस्ट्रेलिया में आपको भारत से जोड़े रखती है। मुझे बताया गया कि अब तो ग्रेटर सिडनी में इंडिया परेड भी शुरू होने जा रही है। मुझे जानकर भी बहुत अच्छा लगा कि हाँ, आप सबने
आजादी का अमृत महोत्सव भी बहुत धूमधाम से मनाया है। यहां की कई सारी सिटी काउंसिल्स में बहुत सारे कार्यक्रम किए गए हैं। सिडनी ओपेरा हाउस जब तिरंगे की रोशनी से सराबोर हुआ तो यहां हर भारतीय का दिल खुश हो गया। हिंदुस्तान में भी जय जयकार हो रहा था और इसके लिए मैं न्यू साउथ वेल्स गवर्नमेंट का विशेष तौर पर आभार व्यक्त करता हूं। साथियों, हमारे क्रिकेट के रिश्तों को भी 75 वर्ष पूरे हो गए हैं। क्रिकेट की फील्ड पर मुकाबला जितना रोचक होता है उतनी ही गहरी ऑफ द फील्ड हमारी दोस्ती है। इस बार तो ऑस्ट्रेलिया की अनेक विमेन क्रिकेट प्लेयर्स भी पहली बार भारत में आईपीएल खेलने आई थी। और साथियों, ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ सुख के ही साथी हैं। अच्छा दोस्त तो सुख का तो साथी होता है, दुख का भी साथी होता है। पिछले साल जब महान शेन वॉन का निधन हुआ तो ऑस्ट्रेलिया के साथ कोटि कोटि भारतीयों ने भी शोक मनाया। ये ऐसा था जैसे हमने अपना कोई खो दिया है। साथियों, आप सभी यहां ऑस्ट्रेलिया में हैं, यहां के विकास को देख रहे हैं। आप सभी का एक सपना रहा है कि हमारा भारत भी विकसित राष्ट्र बने। है ना आपका सपना? है ना आपका सपना? है ना आपका सपना? जो सपना आपके दिल में है वो सपना मेरे दिल में भी है। ये मेरा भी सपना है, 140 करोड़ भारतीयों का सपना है। साथियों, भारत के पास सामर्थ्य की कमी नहीं है, भारत के पास संसाधनों की कमी भी नहीं है। आज दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे युवा टैलेंट फैक्ट्री जिस देश में है वो है सही जवाब दे रहे हैं आप, वो है इंडिया। मैं ये बात फिर दोहरा रहा हूं, आज दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे युवा टैलेंट फैक्ट्री जिस देश में है वो है और अब मैं आपके सामने ऐसे ही कुछ फैक्ट रखूंगा और आपसे सही उत्तर जानना चाहूंगा। ठीक है, रेडी? कोरोना की इस ग्लोबल पैंडेमिक में जिस देश ने दुनिया का सबसे तेज वैक्सीनेशन प्रोग्राम चलाया वो देश है। आज जो देश
दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग लार्ज इकोनॉमी है वो है आज जो देश दुनिया में नंबर वन स्मार्टफोन डेटा कंज्यूमर है वो देश है आज जो देश फिनटेक एडॉप्शन रेट में नंबर वन है वो देश है आज जो देश मिल्क प्रोडक्शन के मामले में दुनिया में नंबर वन है वो देश है आज जो देश इंटरनेट यूजर्स की संख्या में दुनिया में नंबर दो पर है वो है आज जो देश दुनिया का सेकंड लार्जेस्ट मोबाइल मैन्युफैक्चरर है वो है आज जो देश राइस वीट शुगर केन प्रोडक्शन के मामले में दुनिया में नंबर दो पर है वो है आज जो देश फ्रूट और वेजिटेबल प्रोडक्शन में दुनिया में नंबर दो पर है वो है आज जिस देश में दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम है वो है दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ऑटोमोबाइल मार्केट जिस देश में है वो देश है दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा सिविल एविएशन मार्केट जिस देश में है वो देश है और अब जो देश अगले 25 साल में विकसित होने के लक्ष्य के साथ आगे बढ़ रहा है वो देश है साथियों आज IMF भारत को ग्लोबल इकोनॉमी का ब्राइट स्पॉट मानता है वर्ल्ड बैंक का विश्वास है कि ग्लोबल हेडविंड्स को अगर कोई चुनौती दे रहा है तो वो भारत है आज दुनिया के कई देशों में बैंकिंग सिस्टम पर संकट है लेकिन दूसरी तरफ भारत के बैंकों की मजबूती की आज चारों तरफ प्रशंसा हो रही है दुनिया में 100 साल में आए सबसे बड़े संकट के बीच भारत ने बीते वर्ष रिकॉर्ड एक्सपोर्ट किया है आज हमारा फॉरेक्स रिजर्व नई बुलंदियां छू रहा है फ्रेंड्स भारत ग्लोबल गुड के लिए कैसे काम कर रहा है इसका उदाहरण हमारा डिजिटल स्टैक है आप सभी भारत के फिनटेक रिवॉल्यूशन से भलीभांति परिचित हैं। आपको याद होगा जब मैं 2014 में यहां आया था तब मैंने आपसे एक सपना साझा किया था मेरा वो सपना था कि भारत में गरीब से गरीब का अपना बैंक खाता हो
आपको गर्व होगा दोस्तों, आपको गर्व होगा कि पिछले 9 वर्ष में हमने करीब 50 करोड़ भारतीयों के यानी करीब 500 मिलियन बैंक अकाउंट खोले हैं। और सिर्फ बैंक अकाउंट खोलना ही हमारी सफलता, हम वहां अटकते नहीं है। इसने भारत में पब्लिक सर्विस डिलीवरी के पूरे इकोसिस्टम को ट्रांसफॉर्म कर दिया। हमने जनधन बैंक अकाउंट, मोबाइल फोन और आधार आईडी की एक जेम ट्रिनिटी, JAM ट्रिनिटी बनाई है। आप सोचिए, इसे एक क्लिक पर करोड़ों करोड़ों देशवासियों तक डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर DBT संभव हुआ। और आपको और खुशी होगी, बीते 9 वर्षों में यह आंकड़ा भी आपको बहुत आनंद देगा। बीते